गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ट्रांसमिशन में सीखेंगे यूज ऑफ ऑट टू, शुड एंड मस्ट। तो ये है आपकी वर्कशीट 7। ऑट टू, शुड और मस्ट की हिंदी होती है चाहिए। इन तीनों ही वर्ड्स की क्या हिंदी होती है? चाहिए। ठीक है, जैसे हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें यह खाना चाहिए, हम सबको मिलकर खेलना चाहिए। तो जो चाहिए हिंदी निकलती है, अगर हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश में हम ऑट टू, शुड और मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं है कि एक ही सेंटेंस में ऑट टू आ गया, शुड आ गया, मस्ट आ गया। नहीं, ऑट टू कहाँ लगेगा, शुड कहाँ लगेगा, मस्ट कहाँ लगेगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑट टू। क्या समझते हैं? ऑट टू। तो कैसे बनाया जाता है? सब्जेक्ट प्लस ऑट टू, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑट टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई बात किससे रिलेटेड है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जैसे या ड्यूटीज से रिलेटेड है, जो हमारे कर्तव्य से रिलेटेड है, या रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड है। जब कोई बात सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से, मोरल वैल्यूज से, ड्यूटीज से, रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड होती है, तो उसमें हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, फिर अच्छे से समझिएगा। हम लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए। इसमें क्या दिखा रहे हैं? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी, कि हमें क्या करना चाहिए? औरतों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम औरतों का सम्मान नहीं करेंगे तो औरतों का सम्मान ना करने से हम समाज से क्या हो जाएंगे? अलग। हम समाज से अलग हो जाएंगे ना, समाज हमें अपनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब औरतों का सम्मान नहीं करेंगे, उनका डिसरेस्पेक्ट करेंगे उनकी, तो समाज से हम क्या हो जाएंगे? अलग। समाज के लिए हम क्या होंगे? बुरे। तो हम लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए। इसमें एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी देखिए, हम की वी। ओके, अब हम लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए, ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो हम समाज से क्या होंगे? अलग, या हम समाज के लिए बुरे होंगे कि ये औरतों का सम्मान नहीं करता, ये अलग है। तो जब हम किसी को ऐसी बोल रहे हैं कि हम लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए, तो उसमें क्या आएगा? वी ऑट टू, वी ऑट टू। ठीक है, तो वी ऑट टू सम्मान करने की, रेस्पेक्ट, वी ऑट टू रेस्पेक्ट, हम लोगों की ही वी हो जाएगी, तो वी के बाद ऑट टू, देन रेस्पेक्ट, औरतों का, तो वी ऑट टू रेस्पेक्ट वुमेन। ठीक है, हम लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? वी ऑट टू रेस्पेक्ट द वुमेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम्हें दयालु होना चाहिए, तुम्हें दयालु होना चाहिए, तो यू ऑट टू, यू ऑट टू। दयालु होना, होने की क्या होती है? बी, तो यू ऑट टू बी दयालु की काइंड, यू ऑट टू बी काइंड, तुम्हें दयालु होना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है, तो हमें वी ऑट टू, अगर हम बड़ों का कहना नहीं मानेंगे ना, तो बड़े तो बाहर भी हैं, बाहर भी बड़े लोग होते हैं। अगर हम अपने घर के लोगों का बड़ा, जो हमारे घर में बड़े लोग हैं, अगर उनका कहना मानेंगे नहीं, तो हम बाहर के लोगों का भी नहीं मानेंगे। तो हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? वी ऑट टू, अब कहना मानना मीन्स ओवे, तो वी ऑट टू ओवे अपने बड़ों का, आर एल्डर्स, वी ऑट टू ओवे आर एल्डर्स। ओके, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, वी ऑट टू ओवे आर एल्डर्स। अब हम देखते हैं शुड।
देखिए ऑट तो शुड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा तो जब हम मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो उस जगह हम ऑट टू का यूज़ कर लेते हैं। और जब हम नॉर्मली किसी बात को कह रहे हैं, जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें अपना डेली वर्क करना चाहिए, तुम हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो तब हम शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम किसी को सलाह देते हैं या उपदेश देते हैं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है ना वो करे या ना करे, तो उसके लिए हम शुड लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बनेगी, तो कैसे बनती है इसकी इंग्लिश, पहले सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो वी क्या आएगा फिर, शुड, वी शुड। अब नहीं लगा है मतलब नॉट, तो वी शुड नॉट बोलना टेल, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई, ओके। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें अपना कार्य समय से पूरा करना चाहिए, तुम्हें अपना कार्य समय से पूरा करना चाहिए, तुम्हें अपना कार्य समय से पूर्ण करना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें यू करना चाहिए शुड, यू शुड कंप्लीट, ठीक है, यू शुड कंप्लीट योर वर्क। अब समय से, तो समय की क्या होती है टाइम, और समय से मींस टाइमली, तो यू शुड कंप्लीट योर वर्क टाइमली, तुम्हें समय से अपना कार्य पूरा करना चाहिए, तुम्हें अपना कार्य समय से पूर्ण करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हम एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात तो नहीं कर रहे ना, अगर तुम अपना कार्य तुम कार्य पूरा नहीं करोगे तो तुम क्या समाज से अलग हो जाओगे, या समाज तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, या समाज के लिए तुम बुरे हो जाओगे, नहीं ना। तो ये इसलिए हम यहाँ पे ऑट टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड का, क्योंकि यहाँ पर हम उसको उपदेश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें अपना कार्य समय से पूर्ण करना चाहिए, ठीक है, या हम उसकी ड्यूटी उसको बता रहे हैं कि तुम्हें अपना काम समय से पूरा करना चाहिए, तुम्हें अपना कार्य समय से पूर्ण करना चाहिए, ओके। चलिए अब हम मस्ट के बारे में समझते हैं। तो मस्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी से कहते हैं कि तुम्हें अवश्य कोई काम करना चाहिए, अवश्य, जब हमने उसके लिए अवश्य लगा दी कि हाँ कंपलसरी है, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। जैसे छात्रों को सुबह जल्दी अवश्य उठना चाहिए, मतलब अवश्य उन्हें ये काम करना चाहिए, कंपलसरी है कि उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, मतलब अभी तुम्हें अभी जाना है अवश्य। तो जिसमें अवश्य लगा होता है, जब कोई काम हमें करना ही करना है, मस्ट, ज़रूरी है उस काम को करना, अवश्य करना है, तो वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या है, छात्रों को सुबह जल्दी अवश्य उठना चाहिए, तो स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा, अवश्य लगा है मतलब मस्ट, हमें कोई काम करना ही करना है, मस्ट है उसको करना, ज़रूरी, अगर नहीं करेंगे तो कुछ हो सकता है, इसलिए मस्ट, हमें करना ही करना है, अवश्य करना है, तो स्टूडेंट मस्ट अब उठना चाहिए, उठने की क्या होती है वेकअप, तो स्टूडेंट मस्ट वेकअप जल्दी, अर्ली, स्टूडेंट मस्ट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। आगे देखिए, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, तो क्या बनेगी, यू मस्ट, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ, मस्ट का ही मतलब हो गया अवश्य, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, मुझे अभी अवश्य इस ड्रेस को खरीदना चाहिए, ठीक है, अवश्य, जब कोई काम हमें कंपलसरी करना ही करना है तो हम क्या लगाते हैं, मस्ट, क्या लगाएंगे, मस्ट, ओके। तो आपको समझ में आया शुड, ऑट टू और मस्ट में, तो शुड और ऑट टू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस जब हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम ऑट टू लगा देते हैं, और शुड जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कर्तव्य बता रहे हैं उसका, तो हम शुड लगाएंगे, और मस्ट मतलब जब हमें कोई काम कंपलसरी करना ही करना है तो
तो उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट 7 सॉल्व करते हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी फाइल निकालिए और वर्कशीट 7 में जो इंग्लिश में सेंटेंस दे रखे हैं उनकी हम हिंदी बनाते हैं। सबकी हिंदी कैसे बनेगी चाहिए। ओके, तो चलिए वर्कशीट 7 करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी ने अपनी बुक खोल ली, फाइल खोल ली ना ट्रांसलेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वी मस्ट कीप आर प्रोमिसेस। वी मस्ट मतलब हमें अवश्य चाहिए, कीप मतलब रखना होता है, या फिर प्रोमिसेस हैं तो हम प्रोमिसेस को रखेंगे या निभाएंगे, निभाएंगे ना, तो हमें अवश्य निभाने चाहिए। आर प्रोमिसेस मीन्स अपने वादे, हमें अपने वादे अवश्य निभाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट अवे द लॉस ऑफ द कंट्री। वी मस्ट अवे मतलब हमें अवश्य मानना चाहिए द लॉस ऑफ कंट्री, देश के कानून को, हमें देश के कानून को अवश्य मानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मस्ट नॉट टेल लाइज। वी मस्ट नॉट टेल लाइज, तो वी मस्ट नॉट मतलब हमें अवश्य नहीं चाहिए, टेल बोलना, लाइज मीन्स झूठ, हमें अवश्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। ठीक है, तो यू मस्ट नॉट तुम्हें अवश्य चाहिए, नहीं चाहिए, नॉट लगा है तो नहीं आएगा, तो तुम्हें अवश्य नहीं चाहिए मेक अ नॉइस शोर मचाना, मेक अ नॉइस मीन्स शोर मचाना, तो तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, तुम्हें अवश्य शोर नहीं मचाना चाहिए इन द क्लास कक्षा में, तुम्हें अवश्य कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट डू एज आई टोल्ड। यू मस्ट डू मतलब तुम्हें अवश्य करना चाहिए, एज आई टोल्ड, एज मतलब जैसे, आई टोल्ड जैसे मैंने बोला, आई टोल्ड कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट, पास्ट इनडेफिनेट है ना, तो आई टोल्ड मैंने बोला, तो कैसे बनाएंगे, जैसा मैंने बोला तुम्हें वैसा अवश्य करना चाहिए। एक दो वर्ष हम अपने पास से भी जोड़ देते हैं सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, कि हम उसको पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आए, तो जैसा मैंने बोला तुम्हें वैसा अवश्य करना चाहिए। आगे के सेंटेंसेस देखते हैं, आगे देखिए, सोल्जर्स मस्ट अवे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। ठीक है, सोल्जर्स मस्ट अवे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, क्या बनेगी इसकी हिंदी, सोल्जर्स मीन्स सिपाहियों, सिपाहियों, तो सोल्जर्स मस्ट अवे, सिपाहियों को अवश्य माननी चाहिए, सिपाहियों को अवश्य आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर्स मीन्स आज्ञा, तो सिपाहियों को अवश्य आज्ञा माननी चाहिए। विदाउट क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन मतलब प्रश्न किए बिना। ठीक है, तो सिपाहियों को प्रश्न किए बिना आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 out of 10। तो कैंडिडेट्स की हिंदी होती है उम्मीदवारों, उम्मीदवारों को, तो उम्मीदवारों को 5 out of 10, 5 out of 10 means 10 में से 5, 5 out of 10, 5 out of 10 का मतलब क्या है, 10 में से 5, क्या है उसका मतलब, 10 में से 5, तो उम्मीदवारों को 10 में से 5 एटलीस्ट भी लगा है, इसका मतलब कम से कम 5, एटलीस्ट 5 means कम से कम 5, तो उम्मीदवारों को 10 में से कम 5 मस्ट आंसर अवश्य उत्तर देने चाहिए, तो उम्मीदवारों को 10 में से कम 5 उत्तर अवश्य देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मस्ट नॉट बी लगा है, तो ये होता है पैसिव। ये बात पैसिव में की गई है, किसमें बात की गई है, पैसिव में, ठीक है। तो ये अभी आपने पैसिव सीखे नहीं है, तो इसको आप ऐसे सिंपली समझ लीजिए। ये मैं बता देती हूँ, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड मतलब कार को पार्क अवश्य नहीं होना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ द गेट मतलब गेट के सामने, कार को दरवाजे के सामने पार्क अवश्य नहीं होना चाहिए या अवश्य नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मस्ट सरेंडर माई सेल्फ टू हर विम्स। विम्स मतलब होता है सनक, किसी बात की सनक हो जाती है, तो या मुझे करना ही करना है, इस काम को करना ही करना है, तो आई मस्ट सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है समर्पण करना, तो मुझे समर्पण करना चाहिए अवश्य, मस्ट मीन्स अवश्य, माई सेल्फ खुद को, टू हर विम्स मतलब उसकी सनक के आगे या उसकी सनक के सामने, ठीक है। तो मुझे खुद को उसकी सनक के सामने अवश्य समर्पण करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। एवरीवन मतलब प्रत्येक को या हर एक को, मस्ट डू करना चाहिए, हिज ड्यूटी अपना कर्तव्य, हर एक को या प्रत्येक को अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए या करना चाहिए। ओके, आगे के सेंटेंसेस देखते हैं, वी ऑट टू, अब यहाँ पर क्या आ गया, ऑट टू, क्या आ गया यहाँ पर, ऑट टू, मस्ट फिनिश हो गया, मस्ट वाले हमने सेंटेंस देखे, अब देखिए ऑट टू के, तो वी ऑट टू लव आर नेबर्स। वी ऑट टू लव मतलब हमें प्यार करना चाहिए, अब इसमें अवश्य नहीं आएगा क्योंकि मस्ट नहीं है, तो हमें प्यार करना चाहिए। आर नेवर्स मीन्स अपने पड़ोसियों को, तो हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई ऑट टू विजिट माई सिस्टर टुमारो। आई ऑट टू मुझे चाहिए, विजिट घूमने जाना, विजिट मतलब घूमना होता है, तो मुझे घूमना चाहिए। माई सिस्टर अपनी बहन, टुमारो कल, तो कैसे बनेगा, मुझे कल अपनी बहन के साथ घूमने जाना चाहिए या मुझे कल अपनी बहन के साथ घूमना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब जरूरी नहीं है विजिट के बाद विद लगा कि किसके साथ, विद नहीं आएगा, विजिट माई सिस्टर मतलब अपनी बहन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू ऑट टू हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स। यू ऑट टू हेल्प तुम्हें मदद करनी चाहिए, योर पुअर फ्रेंड्स मीन्स अपने गरीब मित्रों की, तुम्हें अपने गरीब मित्रों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, वी ऑट नॉट टू अब्यूज अ बेगर। वी ऑट नॉट टू, अब आप देख रहे हैं जब हमें ऑट टू का नेगेटिव बनाना है, तो मस्ट का नेगेटिव बनाएंगे मस्ट नॉट, शुड का नेगेटिव बनाएंगे शुड नॉट, लेकिन ऑट टू का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऑट नॉट टू, पहले ऑट आएगा फिर नॉट आएगा फिर टू आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा ऑट टू नॉट, नहीं, ऑट नॉट टू, ठीक है। तो क्या है, वी ऑट नॉट टू अब्यूज, हमें गाली नहीं देनी चाहिए, अ बेगर एक भिखारी को, हमें एक भिखारी को गाली नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट में भी आप देख रहे हैं नॉट टू लगा है, तो कैसे नॉट लगा है, कैसे लगा है, ऑट और टू के बीच में, ऑट नॉट टू, तो वी ऑट नॉट टू वॉक, हमें नहीं चलना चाहिए, ऑन द ग्रास घास पर, हमें घास पर नहीं चलना चाहिए। आगे के सेंटेंस देखिए, यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर। यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर, तो अब ये कौन से सेंटेंस है हमारे, शुड वाले, ठीक है। तो तुम्हें, यू शुड कंट्रोल मतलब तुम्हें नियंत्रण रखना चाहिए, योर टेम्पर मतलब अपने गुस्से पर, तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड नॉट लाफ एट हर मिस्टेक्स। यू शुड नॉट, अब देख रहे हैं ना नॉट कैसे लगा है, शुड के बाद नॉट, तो यू शुड नॉट
मतलब तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट लाफ मीन्स तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। एट हर मिस्टेक्स मतलब उसकी गलतियों पर, तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू थिंक शी शुड अपोलोजाइज। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यहाँ पर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कैसा है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डू यू थिंक मीन्स क्या तुम सोचते हो, शी शुड अपोलोजाइज, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विथ। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए, गिव देना, हम इसमें सलाह दे रहे हैं ना कि तुम्हें नहीं देना चाहिए द चाइल्ड बच्चे को अ नाइफ एक नाइफ टू प्ले विथ उसके साथ खेलने के लिए, मतलब तुम्हें बच्चे को खेलने के लिए टू प्ले बच्चों, तुम्हें बच्चे को खेलने के लिए चाकू नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए, क्वारल मीन्स लड़ना या झगड़ा करना, तो तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए विद योर फ्रेंड मीन्स अपने मित्र के साथ। तो क्या बनी इसकी हिंदी, तुम्हें अपने मित्र से या तुम्हें अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके मस्ट, ऑट टू और शुड के सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस की अपनी ट्रांसलेशन नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में, बात को ध्यान से सुनिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको सारे सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में बनाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूज़ ऑफ इट समझेंगे कि इट का यूज़ कैसे किया जाता है और इट के सेंटेंसेस की हम हिंदी बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।